हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर ट्वेंटी एथ ऑफ नवंबर फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स सो लेट्स स्टार्ट पहली न्यूज़ है इलेक्शन कमीशन स्टॉप्स तेलंगनाज फार्मर एड स्कीम द हिंदू की न्यूज़ आई है तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में एक रित्यु बंधु करके एक स्कीम चलती है एंड उस स्कीम को बेसिकली जो है रोक दिया है बिकॉज इट वायलेट्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप लोगों को पता होगा कि जब से इलेक्शन की डेट uh, या इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस होता है तब से लेकर जब तक कि रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होता यानी कि इलेक्शन स्केड्यूल वाली डेट से जिस दिन इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हो रहा है तब से uh, तब से लेके रिजल्ट अनाउंसमेंट तक बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो लागू रहता है ठीक है वो इसलिए होता है ताकि गवर्नमेंट या कोई भी जो uh, पॉलिटिकल uh, पार्टी है वो कोई पॉपुलिस्ट मेजर ना ले ले जनता को उस समय रिझाने के लिए तो ये कुछ गाइडलाइंस जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कैंडिडेट्स को जो है रेगुलेट किया जा सके उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड लीगल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है उनसे एक्शन करवाया जाए ठीक है सो दैट इज़ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की थोड़ी बेसिक हिस्ट्री भी हम लोग समझ ही लेते हैं तो बेसिकली नाइनटीन में केरला में जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उन इलेक्शंस के टाइम पे जो है स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कोड ऑफ़ कंडक्ट जो था यानी सेट ऑफ़ गाइडलाइंस जो हैं वो रिलीज़ किए थे उसके बाद से 1962 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या फिर इस तरीके की गाइडलाइंस जो हैं रेगुलरली इशू करना शुरू कर दिया ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को रेगुलेट किया जा सके ठीक है तो इतना सा आपको ध्यान रखना है अब हम एक बार जो रित्यु बंधु स्कीम जिसको कि अभी इलेक्शन कमीशन ने बोला है रोकने के लिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं रितु बंधु का मतलब क्या है बंधु का मतलब हम लोग सब जानते हैं दोस्त ऋतु का मतलब होता है फार्मर तो फार्मर फ्रेंड या फिर फ्रेंड ऑफ फार्मर जो है ऋतु बंधु का मीनिंग होता है इसके तहत क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लैंड ओनिंग फार्मर, फार्मर्स को फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं केवल लैंड ओनिंग फार्मर्स को ऑलवेज रिमेंबर दैट इसी बेसिस पर इस स्कीम का क्रिटिसिज्म भी होता है कि जो लैंडलेस फार्मर्स हैं ठीक है या फिर टेनेंट्स हैं काश्तकार जिन्हें बोलते हैं वो टेनेंट फार्मर्स जो हैं उनके लिए ये स्कीम नहीं है ठीक है तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है क्रॉप सीजन के शुरुआत में फिनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है लैंड ओनिंग फार्मर्स को कब से ऑपरेशन में है फेब्ररी 2018 से ये स्कीम ऑपरेशन में है ठीक है और ये इंडिया की पहली ऐसी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है जिसमें कि डायरेक्टली कैश पे किया जाता है फार्मर्स को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में जो है हेल्प करने के लिए इसमें क्या होता है एक बार इस बात को समझ लीजिएगा कि खरीफ सीजन और रबी सीजन उन दोनों की शुरुआत में हर एकड़ के हिसाब से पाँच हजार रुपए जो हैं दिए जाते हैं फार्मर्स को डीबीटी के थ्रू यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं ठीक है ताकि वो फार्मर्स जो हैं सीड्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स लेबर और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स कर सके ठीक है और ये उस तेलंगाना स्टेट के रेसिडेंट फार्मर्स के लिए ही एप्लीकेबल है जिनके पास में लैंड है तो इसका बैन आपको बता दिया कि जो लैंडलेस फार्मर्स हैं या जो टेनेंट फार्मर्स हैं उनके लिए स्कीम एप्लीकेबल नहीं है ठीक है तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है ऋतु बंधु के लिए जब ये आई थी उस समय भी स्कीम काफी न्यूज में थी तो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द ऋतु बंधु स्कीम नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं सेवन कश्मीरी स्टूडेंट्स चार्ज अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट फॉर प्रो पार्क स्लोगन्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप फाइनल तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उन्होंने बेसिकली यू के तहत यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो है सात कश्मीरी स्टूडेंट्स को ठीक है वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान जिंदाबाद या प्रो पाकिस्तान नारे लगाने के लिए जो है बुक किया है ठीक है इसमें कौन कौन से जो अपनी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है उसके अंतर्गत कौन कौन से सेक्शंस में पहला है सेक्शन थर्टीन सेक्शन थर्टीन जो है बेसिकली ये बोलता है कि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी होगी तो उसके लिए जो है देयर विल बी इनप्रिजनमेंट ठीक है और सेक्शन 505 जो है ठीक है जो आईपीसी का है ठीक है आईपीसी का सेक्शन 505 है जिसमें कि ये है कि कोई भी क्लास या कम्युनिटी बेसिकली कोई भी तरीके का ऑफेंस कमिट करती है तो उसके लिए प्रोविजन दिए हुए हैं फाइव में जो है क्रिम, क्रिमिनल इंटिमिटेशन है कि क्रिमिनल को लाया जाएगा उनको बताया जाएगा ये सारी चीज़ें ठीक है तो ये बेसिकली आपको कॉन्टेक्ट समझ आना चाहिए इसमें जो हमें पढ़ना है दैट इज़ यू ए पी ए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के बारे में ठीक है हम लोगों ने कई बार इसका नाम सुना है कि यू के तहत जो है इस पर्सन को बुक किया गया है बट नोबडी नोज वॉट अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट इज ठीक है तो अगर हम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की बात करें तो इसे 1967 के अंदर जो है पास किया गया था एंड हाल ही में 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है तो वो अमेंडमेंट एक्ट भी हम 2019 का डिस्कस करेंगे बट जो ओरिजिनल एक्ट है उसके बारे में भी पहले डिस्कस करते हैं इसका काम क्या है देखो नाम से पता चल रहा है अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने का बेसिकली जो अनलॉफुल एक्टिविटीज करने वाले एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स हैं उनके उनके तहत जो है प्रिवेंटिव मेजर लेने के लिए ये एक्ट जो है वो लाया गया अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज होती ही क्या है ठीक है ऐसा कोई भी एक्शन इस एक्ट के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटी को ऐसे डिफाइन किया गया है कि ऐसा कोई भी एक्शन जो कोई इंडिविजुअल या कोई एसोसिएशन कर रहा है जिसकी वजह से इंडिया की इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी पर नेगेटिव इंपैक्ट या एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है देन दैट एक्टिविटी विल बी कंसिडर्ड एज अनलॉफुल एक्टिविटी ठीक है अब इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पूरी पावर है ठीक है कि वो किस एक्टिविटी को अनलॉफुल मानना चाहती है और किसको नहीं मानना चाहती तो अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होगी इसको डिसाइड करने की पूरी पावर जो है किसके पास में है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है ऑलवेज रिमेंबर दैट ठीक है इसकी हाइएस्ट पनिशमेंट में एक तो आता है अपना कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ पेनल्टी ठीक है एंड द सेकेंड इज लाइफ इन प्रे हाइएस्ट फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट है इस एक्ट के तहत दिए जाने वाले ठीक है और ये भी आपको ध्यान रखना है यू ए पी ए के तहत ना ही सिटीजनस बल्कि एलियंस या फॉरेनर्स जो होते हैं वो भी बुक किए जा सकते हैं ठीक है इट इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल टू सिटीजन्स बट ऑल्सो द एलियंस ठीक है ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बाद में 1967 के बाद में 2004 में इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ ठीक है इस अमेंडमेंट में बेसिकली कोई भी टेररिस्ट एक्ट को भी जो है जो है एक तरीके का ऑफेंस मान लिया गया एक तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटी मान लिया गया ठीक है तो जो भी ऑफेंसेस हैं उसकी लिस्ट में टेररिस्ट एक्ट को भी इंक्लूड कर लिया गया ठीक है तो आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे लश्कर ए तैयबा जो है ठीक है लश्कर ए तयबा जो है ठीक है ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को यू ए पी ए के तहत जो है ठीक है फॉर फॉरन टेररिस्ट एसोसिएशन जो है डिक्लेयर किया जाता है बैन किया जाता है उनको तो ये है हमारा यू ए पी ए अभी मैंने आपको बताया कि 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुआ तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट्स या फिर इस एक्ट में क्या क्या चेंजेस किए गए 2019 में तो पहला है डेजिग्नेशन ऑफ इंडिविजुअल्स टेररिस्ट्स ठीक है अब इस अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट के पास में ये पावर दे दी गई कि कोई भी इंडिविजुअल को द गवर्नमेंट कैन मार्क एनी इंडिविजुअल एज टेररिस्ट ठीक है अर्लियर पहले क्या होता था पहली ऑर्गेनाइजेशंस को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे जो है गवर्नमेंट नाम कर सकती थी डेजिग्नेट कर सकती थी बट अब इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट जो है नॉमिनेट कर सकते हैं और उनके खिलाफ जो है उनको बैन किया जा सकता है उनके जो हैं उनको फ्रीज किया जा सकता है बहुत सारी चीजें की जा सकती है नेक्स्ट है सीजर ऑफ प्रॉपर्टी विद एन अप्रूवल ठीक है तो इसमें क्या है बेसिकली कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है कोई भी ऑफेंस का अगर वो अनलॉफुल एक्टिविटी का इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर कर रहा है उन्हें अगर टेररिस्ट टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी या किसी टेररिस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसको सीज करना है तो उस ऑफिसर को सबसे पहले डीजीपी जो होता है डायरेक्टरेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होता है उनसे प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है ठीक है तो ये सेकेंड अमेंडमेंट किया गया एंड थर्ड वॉज दैट द टेररिस्ट एक्ट्स वर डिफाइंड ठीक है इस यू ए पी अमेंडमेंट टू थाउजेंड नाइनटीन के तहत जो है टेररिस्ट एक्ट का एक कॉम्प्रीहेंसिव या होलिस्टिक डेफिनेशन दिया गया ठीक है तो इसमें यह बोला गया कि जो नोट ट्रीटीज है कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग्स कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग हॉस्टेजेस इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म ऐसी नाइन ट्रीटीज के अंदर जो भी टेररिस्ट एक्ट डिफाइंड है उनको इसके एम्बिट में लाया गया ठीक है और याद रखिएगा इंटरनेशनल टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया यानी कि न केवल देश में कोई टेररिज्म हो रहा है उन्हीं एक्ट्स को ही नहीं बाकी अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई टेररिज्म हो रहा है जिसका इंडिया पर कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है उसको भी टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन में लाया गया सो दीज वर द थ्री चेंजेस दैट वर डन बाय द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट ठीक है तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है अब एक बार क्योंकि यहाँ पर आई के दो सेक्शंस का भी मैंशन है फाइव जीरो फाइव एन फाइव जीरो सिक्स तो एक बार हम लोग आई के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं इंडियन पीनल कोड के बारे में भी तो हाल ही में आप लोगों को मैंने न्यूज़ में कई बार बताया है कि भारतीय न्याय संहिता जो है वो लाई जा रही है जिसको जिससे जो कॉलोनियल टाइम का आई है इंडियन पीनल कोड जो है उसको रिप्लेस करने की बात की जा रही है इसके लिए बिल भी पार्लियामेंट में आ चुका है हालाँकि अभी ये लॉ नहीं बना है फ्यूचर में लॉ बनता है तो वील सी द चेंजेज ऑल्सो आई तो पी क्या है एटीन हंड्रेड एंड थर्टी फोर में इसको बनाया गया था ये बेसिकली गाइडलाइंस हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइप के क्राइम करने पर किस तरीके के पीनल प्रोविजंस होने चाहिए तो ठीक है तो इसको एटीन सिक्सटी टू में एटीन सिक्सटी में बनाया गया था ठीक है एंड इट वॉज क्रिएटेड अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टी थ्री ठीक है एटीन थर्टी थ्री की चार्टर एक्ट के तहत इसको बनाया गया था एटीन सिक्सटी में ठीक है एंड इसी एक्ट के तहत एटीन थर्टी फोर में एक कमीशन जो है स्टेब्लिश किया था और उसी कमीशन ने आई को जो है बनाया था ठीक है ये इम्पोर्टेंट है नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज स्टार्टिंग डिसंबर वन इंडियंस विल नॉट रिक्वायर अ वीजा विजिट टू मलेशिया तो मलेशिया जो है अब क्या करने वाला है कि एक दिसंबर से अगर कोई पर्सन तीस दिन या उससे कम के लिए मलेशिया जाना चाहता है तो ही वोंट बी रिक्वायरिंग एनी वीजा ही विल बी गिविन वीजा फ्री एंट्री इन द कंट्री ठीक है यही प्रोविजन जो है चाइनीज सिटीजन्स के लिए भी है मलेशिया ने यही प्रोविज़न चाइनीज सिटीजन्स के लिए भी एक्सटेंड किए हैं एंड दिस प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल टिल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर डिसम्बर थर्टी वन ठीक है 2024, तो अगले साल के एंड वाले दिन तक ये प्रोविज़न जो है वीज़ा फ्री एंट्री फॉर थर्टी डेज और लेस विल भी देर ठीक है अब क्यों इंडिया और चाइना को दिया गया बिकॉज़ इंडिया और चाइना जो हैं वो मलेशिया की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत क्रूशियल है ठीक है जो मलेशिया के टॉप फाइव सोर्स मार्केट्स हैं टूरिज्म के लिए उनमें इंडिया एंड चाइना आर देयर तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मलेशिया ने जो है ये कदम उठाया है अब हम लोग एक बार हिस्ट्री समझ लेते हैं इंडिया मलेशिया रिलेशंस की तो इंडिया आपको पता है कि आजाद हो गया था 1947 में उसके बाद में इंडिया और मलेशिया ने डिप्लोमेटिक डिप्लोमैटिक रिलेशनिश किए इन 1957 ठीक है उसके अलावा इंडिया और मलेशिया ने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट दैट इज नोन एज कॉम्प्रीहसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट जो है वो भी साइन कर रखा है ठीक है सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट्स के मामले में आसियान जो है ठीक है आसियान जो है इसके साथ भी इंडिया ने जो है एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो साइन कर रखा है आसियान में कितनी कंट्रीज है एज यू ऑल नो कि ये साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनका एसोसिएशन है इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस तो उसकी जो दस कंट्रीज हैं ठीक है ठीके? उन दस कंट्रीज के साथ में इंडिया ने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया था एंड अमंग दोज टेन कंट्रीज मलेशिया इज ऑल्सो दैर तो एक तरीके से मलेशिया के साथ में भी हमारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट रिलेशन हो गया ठीक है आसियान के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये बनाया क्यों गया था ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं उनका एक कोऑपरेशन ग्रुप है ठीक है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ठीक है क्या इंडिया इसका मेंबर है नहीं बिकॉज इंडिया डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द साउथ ईस्ट ठीक है बैंकॉक डेक्लेन से इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था तो क्वेश्चन प्रेलम्स में ये बन सकता है द बैंकॉक डेक्लेन समटाइम्स मैंशनड इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग ठीक है तो बैंकॉक डेक्लेरेशन आपको ध्यान रखना है इसे आसियान डेक्लेन भी बोलते हैं दैट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आसियान ठीक है तो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट आसियान अगर हम आगे चलें तो बायोलिट्रल ट्रेड जो है इंडिया और मलेशिया के बीच में वो उसमें मलेशिया इज़ द विनर यानी कि मलेशिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया को एज़ कंपेयर टू इंडिया इंडिया कम एक्सपोर्ट करता है मलेशिया में कमोडिटीज़ अगर हम लोग डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया और मलेशिया के बीच में हरिमाव शक्ति करके एक बाइलेट्रल एक् बेसिकली एक मिलिट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ठीक है हर साल एनुअल होती है ये एनुअल लेवल पे होती है ठीक है आगे कोऑपरेशंस की बात करें तो ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया में भी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो हमारी देसी दवाइयाँ जिन्हें हम बोलते हैं उसका एक ट्रेंड है और यही चीज़ मलेशिया में भी है तो 2010 में अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन को ही बूस्ट देने के लिए इंडिया और मलेशिया ने एक एम भी साइन किया था उसके अलावा मलेशिया जो है आयुष जो है हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी है तो आयुष यानी आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी सॉरी यूनानी सिद्धा नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी इन सबको जो है प्रमोट करने के लिए मलेशिया में मलेशियन गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक्शन ले रहा है ठीक है सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड मलेशिया रिलेशन डिप्लोमेटिक रिलेशन्स कब स्टार्ट हुए हमारा कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है कि नहीं उसके अलावा हमने कौन कौन से अग्रीमेंट्स कर रखे हैं सो दैट इज़ ऑल अबाउट मलेशिया ठीक है नो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ अब हम चलते हैं इकॉनमी के सेक्शन पे तो पहला है डॉलराइजेशन द हिंदू में डॉलराइजेशन के रिलेशन में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था कि डॉलराइजेशन क्या है ठीक है उसका जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है ये सब चीज़ें ठीक है ठीके? तो डॉलराइजेशन को मैं आपको समझाती हूँ ऐसा कोई इसका करेंट कॉन्टेक्ट नहीं है डॉलराइजेशन में क्या होता है बेसिकली कोई कंट्री जो है अपनी खुद की करेंसी को सब्सटीट्यूट करके ठीक है अपनी खुद की करेंसी को सब्सटिट्यूट करके डॉलर्स पे फोकस करने लग जाती है ठीक है ये इनमें अगर हम देखें इंडिया वर्ल्ड में डॉलराइज कंट्रीज के बारे में तो ट्रू डॉलराइज कंट्रीज में दो टैक्स हेवन आते हैं फर्स्ट इज लाइबेरिया एंड सेकंड इज पनामा ठीक है ये चीज आप ध्यान रखिएगा डॉलर करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स की लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स से खुद के पास जितने डॉलर्स है उससे सारा डॉलर्स जो टू थर्ड यानी कि सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट डॉलर जो हैं ट इज हेल्ड बाय डिफरेंट अदर कंट्रीज ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स के पास में थर्टी थ्री परसेंट के आसपास डॉलर्स है, बाकी सारे जो हैं दूसरी कंट्रीज के पास में ठीक है बोलीविया जो कि कुछ सालों पहले तक हाइपर इन्फ्लेशन से ठीक है यानी कि उनके मनी का वैल्यू जो था उनकी करेंसी का वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गया था हाइपर इन्फ्लेशन से जो है इंफेक्टेड uh, था वहाँ पर भी अब डॉलराइज जो इकोनमी है वो हो गई है वहाँ की करेंसी में एटी परसेंट जो अमाउंट है दैट इज़ यूज इन डॉलर्स डॉलर्स के टर्म्स में यूज किया जाता है डॉलराइजेशन अलग अलग टाइप के होते हैं तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं पहला है एसेट डॉलराइजेशन इसमें क्या होता है कि मनी के जो अलग अलग फंक्शंस हैं मनी को हम लोग यूनिट ऑफ अकाउंट मीन्स ऑफ एक्सचेंज के तौर पर भी यूज़ करते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू ठीक है धन वेल्थ के वैल्यू फॉर्म में भी यूज़ करते हैं तो एसिड डॉलराइजेशन में क्या होता है कि मनी के सारे काम जो भी होते हैं वो डॉलर्स के फॉर्म में किया जाते हैं यानी मनी को मनी जो है यानी डॉलर खुद की करेंसी के बजाय मनी इज़ यूज ठीक है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स लाइबिलिटी डॉलराइजेशन में क्या होता है कि जो डोमेस्टिक बैंकिंग सिस्टम है या गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर फॉरेन करेंसी का डेट बहुत ज़्यादा होता है ठीक है यानी कि उनको जो अब लोन्स पे करने हैं वो फॉरेन करेंसी में पे करने ठीक है या लोन्स देते हैं तो वो फॉरेन करेंसी के टर्म्स में देते हैं वो लाइबिलिटी डॉलराइजेशन हो गया पार्शियल एंड फुल डॉलराइजेशन फुल डॉलराइजेशन में क्या होता है कि हंड्रेड जो अपनी करेंसी है लोकल करेंसी वो तो अप्रूव हो जाती है एंड हंड्रेड यूसेज जो है सर्कुलेशन जो है इकोनॉमी में वो डॉलर्स का होने लग जाता है वो फुल डॉलराइजेशन होगा पार्शियल डॉलराइजेशन में क्या होता है जैसे मान लीजिए फिफ्टी परसेंट तो डॉलर्स के सर्कुलेशन uh, हो रहा है उस इकॉनॉमी में फिफ्टी परसेंट लोकल करेंसी का हो रहा है दैट विल बी पार्शल डॉलराइजेशन ठीक है तो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ डॉलराइजेशन अब डॉलराइजेशन का ऑपोजिट ही एक और टर्म है एंड दैट इज़ डी डॉलराइजेशन डी डॉलराइजेशन में क्या होता है बेसिकली कि डॉलर का जो डोमिनंस है वर्ल्ड में आज भी जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वो जो पेमेंट लेती हैं फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ठीक है imports, जो मनी ट्रांसफ़र होता है वो डॉलर्स के टर्म में होता है अगर डॉलर से डिपेंडेंसी कम करने की जो है टेंडेंसी क्रिएट की जाती है दैट इज नोन एज डी डॉलराइजेशन ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है ठीक है अब आजकल डी डॉलराइजेशन किन किन टर्म्स में हो रहा है पहला है ऑयल और दूसरी कमोडिटीज के ट्रेडिंग में बहुत सारी कंट्रीज ने अब अग्री कर लिया है कि डॉलर्स की बजाय वो उनकी लोकल करेंसी में या उस पर्टिकुलर इम्पोर्टिंग नेशन की करेंसी में जो है वो ट्रेड करने को अग्री कर देते हैं ठीक है उसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व से जब हम डॉलर्स खरीदते हैं तो वो भी लोकल करेंसी में होता है ठीक है बाइलेट्रल ट्रेड अग्रीमेंट्स जो हैं उनके वो भी डॉलर्स के टर्म्स में ना करके लोकल करेंसी के टर्म्स में साइन हो जाते हैं एंड डॉलर डिनोमिनेटेड असेट्स इन चार बेसिकली चार एस्पेक्ट्स में डी डॉलराइजेशन देखने को मिल सकता है अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई इकोनॉमी डॉलराइज हो रही है यानी कि डॉलर्स का सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है तो उससे रिलेटेड कंसर्न्स क्या हो सकते हैं पहला है स्टेबिलिटी ऑफ फिनशियल सिस्टम ठीक है तो कहा जाता है ना कि टुथलेस टाइगर बिना दांत का शेर, तो जिन सेंट्रल बैंक्स में डॉलराइजेशन लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं उन बैंक्स का खुद पर खुद की इकोनॉमी पे कोई कंट्रोल नहीं होता क्योंकि डॉलर जो है वो मार्केट इन्फ्लुएंसेस के अकॉर्डिंग एक्ट करता है उसकी वैल्यू जो है मार्केट इन्फ्लुएंसेस पे बेस होती है तो वो जो इकोनमी uh, है वो फ्री हो जाती है फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ दो फेडरल बैंक्स तो वो बॉडीज जो हैं सेंट्रल बैंक्स जो हैं दे बिकम अ टुथलेस पे नेक्स्ट है थ्रेट टू द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द कंट्री कई बार क्या होता है डॉलर्स का यूज जो है टेरर फाइनेंसिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए इन सब के लिए किया जाता है एंड दैट में इम्पैक्ट द फिनेंशियल सेक्टर ऑफ द कंट्री इन द लॉन्ग रन क्योंकि डॉलर जो है इट इज़ नॉट रेगुलेटेड बाई दैट कंट्री इट इज यूजिंग दैट अमाउंट इट इज यूजिंग दैट करेंसी बट इट के नॉट रेगुलेट दैट करेंसी सो दैट इज ऑल्सो एन इश्यू एंड थर्ड इज बैंकिंग सिस्टम पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है ठीक है तो वो कैसे पड़ सकता है उसको समझिए कि लोग जो हैं ठीक है लोग जो हैं अपने असे, जो एसेट्स असे, हैं अपने एसेट्स जो हैं उनकी सेविंग्स जो हैं वो इन डॉलर्स को खरीदने में या करेंसीज़ को ख़रीदने में सारे यूज़ कर लेते हैं ठीक है अब क्या होगा अगर कोई पर्सन है जिसने कि अगर मान लीजिए कि एक डॉलर जो है वो एट्टी रुपीज़ के बराबर है वन डॉलर इज़ इक्वल टू एट्टी रुपीज़ तो मैंने तो एट्टी रुपीज़ दिए पर मुझे उसके वैल्यू उसके एवज में क्या मिला ओनली वन डॉलर मिला तो उससे क्या होता है कि बैंक के पास मैंने ये एक डॉलर जमा कराया और उसकी जगह मैं अस्सी रुपये जमा कराए तो वैल्यूएशन के टर्म्स में बैंक को ये फायदेमंद रखता मेरे सेंट्रल बैंक को ठीक है तो कई बार क्या होता है कि डॉलर्स के टर्म्स में अगर करेंसी का यूज़ होता है तो उसकी वजह से मनी कम हो जाता है ठीक है उसकी फेस वैल्यू कम दिखती है एंड ड्यू टू दैट बैंकिंग सिस्टम जो है उसके पास में लेंड करने के लिए कंपेरेटिवली कम पैसा दिखता है ठीक है तो ये भी एक इश्यू है सो दीज आर द कंसर्न्स रिलेटेड टू डॉलराइजेशन एंड डी डॉलराराइजेशन मैंने आपको एक एक चीज समझा दी है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेन्स परस्पेक्टिव से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो मेन्स परस्पेक्टिव से आप इसको देखेंगे प्रिलिम्स में नहीं पूछते हैं सच हाँ ये पूछ सकते हैं कि जो फुल्ली डॉलराइज कंट्रीज़ कौन कौन सी तो लाइबेरिया ठीक है एज आई टोल्ड डू एंड पनामा ये जो है फुली डॉलराइज कंट्रीज़ है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल फिनंस मिनिस्ट्री एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू मीट ऑन करबिंग डिजिटल फ्रॉड्स एंड साइबर क्राइम्स सो दिस आर्टिकल इज वेरी लॉन्ग क्योंकि इसमें मैंने आपको हर एक तरीके के साइबर क्राइम के बारे में बताया है जो 31 वन टाइप्स के साइबर क्राइम्स हैं वो मैं आपको सारे समझाऊंगी इसमें तो बेसिकली क्या है कि फिनेंस मिनिस्टर मिनिस्ट्री ने डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स फिनैंशियल क्राइम्स और साइबर सिक्योरिटी मेजर्स के लिए डिस्कस करने के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया है ठीक है इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा इसका एजेंडा पहली मीटिंग का इस मीटिंग का पहला एजेंडा ये होगा कि जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है ठीक है हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में इस पोर्टल को स्ट्रेंथन करना इसको ज़्यादा पावर्स देना सेकेंड होगा क्लोजली मॉनिटरिंग वेन डॉर्मेंट अकाउंट्स बिकम ऑपरेशनल क्या होता है कई बार बहुत सारे डमी अकाउंट्स क्रिएट हो जाते हैं मनी को वाइट करने के लिए मनी की वाइट वॉशिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो कब ये मॉनिटर करना कि कब ये डॉनमेंट अकाउंट सडनली ऑपरेशनल हो रहे हैं एंड उसके अलावा जो इलीगल लोन ऐप्स आजकल बनने लगी हैं ऑनलाइन इलीगल लोन ऐप्स है इन फीएसको को भी कंट्रोल करना इसको मॉनिटर करने के लिए तीन चीज़ें जो होंगी दैट वुड बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर द मीटिंग अब साइबर क्राइम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो साइबर क्राइम क्या है <laughs> साइबर क्राइम में क्या होता है कंप्यूटर के थ्रू जो है बेसिकली क्राइम किया जाता है कोई ऑफेंस किया जाता है ठीक है साइबर क्राइम इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट ठीक है आपको पता है तीन लिस्ट होती हैं ठीक है थीके? उन तीन लिस्ट में ठीक है उन तीन लिस्ट में एक तो होती है यूनियन लिस्ट एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन so, लिस्ट में वो सभी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि जिन पर कोई भी लॉ जो है केवल और केवल यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर जो है स्टेट के पास में पावर होती है ठीक है एंड कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट जो है आपस में शेयर करते हैं और उन पर दोनों कोई भी लॉ बना सकता है उसके अलावा एक और कैटेगरी होती है दैट इज द रेसिडरी सब्जेक्ट्स रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि इन तीनों लिस्ट में नहीं होते हैं और उन रेसिडरी सब्जेक्ट्स पर रूल बनाने का पावर जो है वो सेंटर के पास होता है ठीक है समझ आ गया अब देखिए अब रेसिडरी सब्जेक्ट्स होते कौन से जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली नया एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नया सब्जेक्ट है तो ये जो होगा रेसिडुअरी सब्जेक्ट में आ जाएगा क्योंकि ये तीनों में नहीं है अभी राइट सो तो दोज आर रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स अब हम लोग पढ़ेंगे जो थर्टी वन टाइप्स के साइबर क्राइम हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट है इसमें आपका साइबर क्राइम के जो डायमेंशन हैं वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी ठीक है सो द फर्स्ट टाइप ऑफ साइबर क्राइम इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चाइल्ड सेक्शुअली अब्यूजिव मटीरियल तो अगर किसी भी बच्चे की सेक्शुअल एक्सप्लॉइटेशन के या फिर उन बच्चे की सेक्शुअल इमेजेस जो हैं सर्कुलेट हो रही हैं तो वो मटेरियल जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कैटेगरी में आएगा दिस इज ऑल्सो अ साइबर क्राइम सेकंड इज साइबर बुलिंग आपने देखा होगा कंप्यूटर्स मोबाइल कोई जैसे कोई आ, कोई नया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन रहा है और वो दिखने में अच्छा नहीं है बट ही ट्राइज टू बिकम स्मार्ट तो उसको क्या होता है उसके कॉमेंट्स में बहुत गंदे कमेंट्स आते हैं ठीक है सो दैट इज द फॉर्म जिसमें कि किसी पर्सन को बुली या हरास किया जाता है कंप्यूटर्स या फिर लैपटॉप्स मोबाइल फोन्स या टैबलेट्स के थ्रू ठीक है सो दैट इज साइबर बुलिंग साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है कि कंप्यूटर्स और यही लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स के यूज से किसी का एक तरीके से वर्चुअल रूप में पीछा करना इवन वैन दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू तो दैट इज साइबर स्टॉकिंग नॉर्मल लैंग्वेज में स्टॉकिंग होती है ना मन चले घूमते हैं तो उससे भी तरह कंप्यूटर पे अगर इस तरीके से कोई किसी पर्सन का पीछा कर रहा है उसको जो स्टॉक कर रहा है तो उसे साइबर स्टॉकिंग बोल देंगे साइबर ग्रूमिंग ठीक है तो साइबर ग्रूमिंग्स में बेसिकली क्या होता है कि कोई पर्सन जो है किसी यंग पर्सन के साथ में एक ऑनलाइन रिलेशनशिप बना लेता है और फिर उसको बोलता है कि हम ऑनलाइन जो है सेक्शुअल एक्ट जो है ठीक है अनड्रेसिंग हो गया ठीक है इस तरीके का कोई एक्ट जो है परफॉर्म करे दैट इज साइबर ग्रूमिंग ऑनलाइन जॉब फ्रॉड ठीक है इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आ, आपने देखा होगा कि अमेजोन में जॉब रिक्वायर्ड है पर डे जो है थ्री थाउजेंड का पेमेंट अभी इंस्टाग्राम पे बहुत चल रही है पर डे थ्री थाउजेंड का पेमेंट दिया जाएगा तो बहुत सारे पर्सनस जो कि जॉब की, की नीड में हैं वो कई बार क्या होता है कि बेटर एम्प्लॉयमेंट और हायर पे के चक्कर में इनमें इनके चक्कर में पड़ जाते हैं दे आस्क फॉर सम प्रायर मनी कि हमें थोड़ा सा जो है एक तरीके से कमीशन uh, चाहिए होगा देन वी कैन इंडक्ट यू इन द जॉब तो उसे ऑनलाइन जॉब फ्रॉड बोलते हैं नेक्स्ट इज ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन ठीक है तो ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन में क्या होता है बेसिकली किसी पर्सन को बोला जाता है कि अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए या आपने कोई अपना वीडियो नहीं दिया न्यूड वीडियो ऐसा कुछ ठीक है आपने जो है मेरी बात नहीं मानी तो आई uh, मैं आपके जो वीडियोस हैं आपके जो फोटोग्राफ्स हैं या कोई सेंसिटिव मटेरियल है उसको वायरल कर दूंगा सो दैट इज ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन बहुत कॉमन है ये ठीक है देन नेक्स्ट इज फिशिंग फिशिंग में क्या होता है बेसिकली कि कोई मेल आया आपके पास में आपने उस मेल पर क्लिक किया उस मेल पे क्लिक करने की वजह से क्या होता है कई बार की हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया कस्टमर आईडी हो गया वो जो है उसके अलावा हमारा सीवीवी हो गया इन सब की चोरी कर ली जाती है एंड दैट इज नोन एज फिशिंग विशिंग क्या होता है ठीक है विशिंग में क्या होता है बेसिकली आपने देखा होगा बहुत कॉमन है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पास में कॉल आता है कि सर मैं इस एक्स बैंक से बोल रही हूँ और आपको एक ओ आएगा आप मुझे बता दीजिए और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो है ये ये बेनिफिट्स दे दूंगी तो कई बार क्या होता है फोन कॉल के थ्रू जो वल्नरेबल पीपल होते हैं स्पेशली द ओल्डर वंस ठीक है ones, उनको बेसिकली उनके जो एटीएम पिन या ओटीपी कार्ड एक्सपायरी डेट सीवीवी पूछ लिए जाते हैं एंड दैट इज विशिंग ऐसा ही एक और टर्म है स्मिशिंग स्मिशिंग में आपने देखा होगा आजकल एक बहुत कॉमन मैसेज चल रहा है कि आपने अपना बिजली का बिल अभी तक नहीं भरा है अगर नहीं भरा है आपका बिज कनेक्शन तुरंत काट लिया जाएगा पेमेंट करने के लिए इस लिंक पे क्लिक कीजिए ठीक है तो बहुत सारे वही वलनरेबल पीपल स्पेशली जो अपने ओल्ड एज जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं वो इन चीज़ों से घबरा जाते हैं वो उस लिंक पर गलती से क्लिक कर देते हैं और उस पर कई बार जो है फ्रॉडी लाइन पेमेंट हो जाता है ठीक है तो यही होता है स्मिशिंग नेक्स्ट इज सेक्सटिंग तो सेल फोन से बेसिकली अपनी इमेजेस वीडियोस टेक्स्ट मैसेजेस ठीक है जो सेक्सुअली जो एक्सप्रेसिट होते हैं वो भेजना है सेक्सटिंग फिर होता है स्विम स्वॉप स्कैम ठीक है इसमें क्या होता है जो फ्रॉडस्टर होता है वो क्या करता है कि जो भी सेंटर है एयरटेल का या जियो का वहाँ पर जाके किसी दूसरे पर्सन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स के थ्रू आइडेंटिटी फोर्ज करके या किसी भी तरीके से डुप्लीकेट सिम निकलवा लेता है और <coughs> और उस सिम के थ्रू बेसिकली क्या करता है वो उसके मैसेज जो भी आने वाले ओ और उसके जो भी अलर्ट्स आ रहे हैं उनके थ्रू जो है ऑनलाइन फ्रॉड कर सकता है सो दैट इज सिम स्वॉप स्कीम स्कैम ठीक है फिर है क्रेडिट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड या डेबिट कार्ड फ्रॉड में क्या होता है आपको पता है कि बेसिकली किसी के डेबिट कार्ड से पैसे हो जा कट जाते हैं या क्रेडिट कार्ड से पैसे कट जाते हैं तो दोज आर ऑल्सो ऑनलाइन फ्रॉड्स फिर है इम्पर्सनेशन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट तो इसमें क्या होता है किस किसी भी पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पासवर्ड या कोई भी दूसरा जो यूनिक आईडी है ठीक है उसको एक्सेस करके ठीक है कोई भी फ्रॉडलैंट एक्टिविटी करना ठीक है किसी और के नाम से दैट इज इम्पर्सनेशन या आइडेंटिटी थेफ्ट नेक्स्ट इज स्पैमिंग तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मेल्स पे अननेसेसरी स्पैम मैसेजेस आते रहते हैं तो कोई भी अनसोलिसिटेड कमर्शियल मैसेज अगर आता है और बार बार आता है थ्रू ई एस एम एस एम एम एस व्हाट्सएप दैट इज़ स्पैमिंग अभी व्हाट्सएप आने की वजह से क्या हो रहा है आजकल जो बहुत सारी हमारी जो दूसरी वेबसाइट्स हैं बैंक बाज़ार हो गए ये बहुत ज़्यादा स्पैमिंग करते हैं व्हाट्सएप पे ठीक है नेक्स्ट इज रैनसम वेयर रैनसम वेयर में क्या होता है बेसिकली ये कंप्यूटर मैलवेयर है ये ठीक है कंप्यूटर मैल फंक्शनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होता है कि किसी भी पर्सन के डेस्कटॉप को या किसी चीज़ को हैक करके ठीक है उनकी इन्फॉर्मेशन को एक तरीके से किडनैप कर लिया जाता है बोलते हैं हमें पैसे भेजिए तभी हम आपकी इन्फॉमेसन या आपके सिस्टम को जो है अनलॉक करेंगे ठीक है तो ये है रैनसमवेयर फिर है वायरसेस वर्म्स एंड ट्रॉजन्स वायरस क्या होता है बेसिकली एक प्रोग्राम है ये हमारे कंप्यूटर में चला जाता है और उससे हमारी फाइल्स जो है उनको डैमेज कर देता है जैसे हम वायरस हमारी बॉडी में चल जाता है तो हमारी बॉडी को डैमेज करता है सिमिलरली वायरस जो है कंप्यूटर कंप्यूटर वायरस जो है कंप्यूटर को डैमेज करता है वर्म्स बेसिकली क्या होते हैं कि वर्म्स में बेसिकली क्या करते हैं ये रेप्लीकेशन कर लेते हैं यानी जो भी डेटा सॉफ्टवेयर जो भी चीज़ें मेरी सिस्टम पे हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उस सिस्टम की उस बेसिकली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की कॉपी बना लेंगे ठीक है दाउज़ आर वर्म्स ट्रोजन हॉर्स ये एक वायरस नहीं होता बेसिकली ये डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है जिसको ऐसा लगता है कि ये जेनुइन एप्लीकेशन है ठीक है ये क्या कर सकते हैं सिस्टम को ऑल टुगेदर ख़त्म कर सकते हैं खराब कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये है ट्रोजन हॉर्स देन वी हैव डेटा ब्रीच डेटा ब्रीच में क्या होता है बिना ऑथराइजेशन के बिना पासवर्ड के अगर आपकी इन्फॉर्मेशन किसी ने एक्सेस कर ली है ठीक है दैट इज डेटा ब्रीच फिर है डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक ठीक है तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि ओनर की परमिशन uh, के बिना ही ठीक है ओनर के परमिशन के बिना ही अगर किसी पर्सन का कंप्यूटर रिसोर्स जो है उसको एक्सेस uh, को जो है बेसिकली उसको एक्सेस कर ले तो दैट इज़ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ठीक है फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक तो इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑनलाइन सर्विस कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स होती है कि हरी लास्ट मिनट ऑफर टू अवेल फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट ऑन दिस टीवी तो उस पर बहुत सारे लोग जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट वो क्या करते हैं उस टाइम पे ही कि कोई पर्सन जो है उस वेबसाइट को इतना ओवरलोड कर देता है कि उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं. तो कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज की सर्विस की अन क्रिएट कर देना ठीक है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक वेबसाइट डिफेसमेंट ठीक है यानी कि डिफेसमेंट का मतलब क्या होता है कि उसकी शक्ल ही बिगाड़ देना उसको चेंज ही कर देना उसको डिसफंक्शनल कर देना तो बेसिकली किसी वेबसाइट की विजुअल अपीयरेंस को चेंज करना या उसको डिसफंक्शनल कर देना ठीक है दैट इज वेबसाइट डिफेसमेंट इसमें बेसिकली क्या होता है वेबसाइट के ऊपर कोई ऑप्सीन फोटो लगा दी या कोई ऑपसिन वीडियो डाल दिया ठीक है दैट इज वेबसाइट डिफेसमेंट ठीक है नेक्स्ट इज साइबर स्क्वाटिंग साइबर स्क्वाटिंग जो है इसमें क्या होता है बेसिकली कि किसी पर्सन के ने एक ट्रेडमार्क लिया एक साबुन है एक्स उस पर किसी पर्सन ने ट्रेडमार्क लिया ठीक है उसकी वेबसाइट पे से वो ट्रेडमार्क लेकर और अपने लिए यूज़ कर लेना ठीक है उससे प्रॉफिट लेने के लिए तो दैट इज़ साइबर स्क्वाटिंग डोमेन नेम का जैसे कॉपी कर लिया जैसे कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर अन डॉट कॉम है सॉरी जैसे कि कोई भी वेबसाइट हमने ले ली जैसे कि अमेजोन डॉट कॉम है ठीक है तो ये हमारे एक स्टैंडर्ड वेबसाइट है ई e कॉमर्स की इसी को ही अगर मैंने अमेजोन डॉट कोर कर लिया ठीक है तो कुछ लोग मेरी इस वेबसाइट पे भी आएंगे तो इस सेम तरीके के प्रोडक्ट्स कुछ मैं बेच रही हूँ यहाँ पे तो उससे क्या होगा कि इसी कंपनी के नाम से मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो दैट इज साइबर स्कोटिंग फिर है फार्मिंग ठीक है फार्मिंग में क्या होता है कि बेसिकली कि एक वेबसाइट के ट्रैफिक को इलीगल तरीके से दूसरी वेबसाइट पे डाइवर्ट कर देना कोई बोगस वेबसाइट पे जैसे कि मैंने अमेजॉन डॉट कॉम पर स्विच किया लेकिन मैंने फार्मिंग के थ्रू क्या किया किसी पर्सन ने मेरे को अमेजॉन डॉट को पे स्विच करवा दिया तो दैट इज़ फार्मिंग ठीक है क्रिप्टो जैकिंग क्रिप्टो जैकिंग में क्या होता है किसी दूसरे पर्सन के सिस्टम को इलीगली एक्सेस करना ताकि क्रिप्टो करेंसीज को माइन करा जाए उसे क्रिप्टो जैकिंग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी हाई जैकिंग देन नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग तो ऑनलाइन पे जो इलीगली ड्रग्स जो हैं हमारे बैंड ड्रग्स जो हैं हीरोइन कोकेन हो गया मैरिवाना हो गया इनको बेचना दैट इज़ ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड लास्ट बट नॉट द लीज एस ठीक है यानी स्पाइंग किसी पर्सन को पता नहीं है लेकिन उसके सिस्टम से सब चीज़ें स्पाइंग हो रही है यानी कि मेरा मोबाइल है इस मोबाइल का मेरा कैमरा भी बंद है लेकिन कोई मुझे फिर भी इस कैमरे से देख रहा है तो दैट इज एस तो ये अलग अलग टाइप के साइबर क्राइम्स हैं ये थर्टी वन टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स आदर इंपॉर्टेंट है ठीक है ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये जो है क्या होता है या द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस बनने के चांसेस इसमें होते हैं तो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स अब यहां पर इस आर्टिकल में एक और टर्म थी एंड दैट वॉज नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल तो लेट एस डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का एम क्या है देखो नाम से पता चल रहा है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग तो बेसिकली साइबर क्राइम कंप्लेंट्स को ऑनलाइन फाइल करने में विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया ठीक है इसमें आप हर तरीके के साइबर क्राइम के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते हो जैसे अगर मान लीजिए आपने कहीं एक्सप्लिसिट कंटेंट देखा चाइल्ड पोर्नोग्राफी का तो आप उसको भी जो है बेसिकली कंप्लेंट डाल सकते हो उसके बारे में चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ मटीरियल के जो आपने कहीं पर देखा उसके बारे में कंप्लेंट डाल सकते हो ठीक है कोई रेप या गैंग रेप का वीडियो अगर आपने कहीं पे देखा दैट वॉज जेन्यून इन नेचर उसके बारे में कंप्लेंट डाल सकते हो मोबाइल क्राइम्स ठीक है सोशल मीडिया क्राइम्स या फिर ऑनलाइन फ्रॉड जैसे कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे आपके पास में एक ऑप्शन होता है कि कोई वीडियो या कोई फोटो आ रही है तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो इस तरीके के सारे जो एक्सप्लिसिट कंटेंट्स होते हैं या साइबर क्राइम्स के जो अलग अलग डायमेंशनस हैं जो एस्पेक्ट्स हैं अलग अलग टाइप के साइबर क्राइम्स हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है बनाया है ठीक है एक चीज और इसमें है कि अगर आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में या रेप गैंग रेप कंटेंट के बारे में कोई कंप्लेंट देनी है बट यू आर आल्सो स्केयर्ड अबाउट योर लाइफ तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एनोनिमस कंप्लेंट आल्सो आप अपना नाम दिए बिना ही कंप्लेंट डाल सकते हो अलोंग विद द प्रूफ कि ये कंटेंट है आप इसको चेक कर लीजिए दैट परटेन्स टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर गैंग रेप या रेप तो दैट इज ऑल अबाउट द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था बड़ा था बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिलम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइबर क्राइम की इंसिडेंसेस अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो यू मस्ट नो द डायमेंशंस ऑफ साइबर क्राइम राइट अब चलते हैं आगे एक द हिंदू में न्यूज आई थी कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो हैं वो क्या हैं किस तरीके से काम करती हैं वो सब चीजें तो आप लोग को पता है कि कोविड नाइनटीन पैंडमिक में इंटरनेट का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया वर्क फ्रॉम होम हो गया मीटिंग्स ऑनलाइन होने लगी इवन बच्चों की स्कूल्स भी ऑनलाइन हो गए तो जिस चीज ने हमें पास लाया या जिस चीज ने हमें कनेक्ट करके रखा एंड दैट वॉज द इंटरनेट एंड दिस फास्ट इंटरनेट वॉज पॉसिबल ओनली एंड ओनली ड्यू टू द फाइबर ऑप्टिक केबल्स ऑप्टिकल फाइबर्स होते क्या है ठीक है तो देखिए ये एक तरीके का वायर टाइप में होता है थिन सिलेंड्रिकल स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास होते हैं ये ग्लास के बने हुए होते हैं ठीक है बाल जितने पतले होते हैं हमारा जो ह्यूमन हेयर है, है उतने पतले होते हैं ठीक है इनके थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस का हर तरीके का कम्युनिकेशन सेंड किया जा सकता है टेक्स्ट मैसेजेस हो गए वीडियोस हो गए फोटोज हो गई टेलीफोनिक कॉल्स हो गई ये सब एनकोड करके ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाया जा सकता है ठीक है ऑप्टिकल फाइबर्स के एडवांटेज क्या है कि ये बहुत स्ट्रांग होती हैं बहुत हल्की होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं और इन्हें पानी के अंदर से या जमीन के अंदर ठीक है कहीं पर भी जो है इनको पास किया जा सकता है ठीक है ये है ऑप्टिकल फाइबर्स ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या होता है लाइट का यूज़ होता है आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा ये फोटो में दिख रहा होगा कि लाइट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना की वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है आपको पता है जब लाइट जो है ग्लास से पास होती है तो इट पासिसज थ्रू दैट लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है वो पास करने की बजाय बिकॉज ऑफ अ सर्टेन एंगल वो पास करने की बजाय जो है अपने इस ऑप्टिकल ग्लास इस लाइन के ग्लास ट्यूब के अंदर ही रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से मूव करने लग जाती है इस वे में ठीक है सो दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो ऑप्टिकल फाइबर्स को इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि लाइट रेज जो हैं वो पास होने की बजाय इट मूव्स जिक्जैक्ट ठीक है सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अब हम लोग ट्रेडिशनल केबल्स और फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के बीच में डिफरेंस को समझ लेते हैं तो जो ट्रेडिशनल कोएक्सियल केबल्स होती हैं इसमें क्या होता है कंडक्टर यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कॉपर वायर है तो कंडक्टर यूज़ होता है जबकि फाइबर ऑप्टिक केबल में आपको दिख रहा है इस फोटो में ग्लास ट्यूब्स का यूज होता है ग्लास फाइबर का यूज होता है तो यहां पर कंडक्टिंग वायर के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं जबकि यहां पर ग्लास ट्यूब्स के थ्रू जो है ग्लास फाइबर्स के थ्रू जो है सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे हैं ठीक है आप याद रखेगा नॉइज इम्यूनिटी इसमें भी है यानी कि जो लॉस होता है सिग्नल का वो भी इसके अंदर जो नॉइस इम्यूनिटी है जो नॉइस सिग्नल्स का एडिशन हो जाता है डिस्टर्बेंस का एडिशन हो जाता है वो यहाँ पर भी इम्यूनिटी होती है लेकिन इसमें ज़्यादा होती है ठीक है इसकी बैंडविड्थ जो है मॉडरेट होती है जबकि इसकी बैंडविड्थ जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है इसमें डिस्टर्बेंस या अटैनुएशन बहुत कम होता है कोवैक्सियल केबल्स में जबकि फाइबर ऑप्टिक केबल में अटैनुएशन जो है यानी डिस्टर्बेंस जो है वो काफ़ी कम होता है कोएक्सियल केबल्स आर कंपैरेटिवली इजी टू इंस्टॉल बहुत इजी होती है इंस्टॉल करना लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल जो है नया है एक तो फिनोमिना ठीक है इसको इंस्टॉल करना एफिशिएंट ज़्यादा है बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है एंड थोड़ा सा ट्रिकी होता है बिकॉज इसको पानी एंड लॉन्ग डिस्टेंसेज पर जो है ट्रांसमिट वो लेक किया जाता है ठीक है कोवैक्सील केबल का एक मेजर डिसएडवाटेज ये है कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सिग्नल्स को डिस्टॉर्ट कर सकता है डिस्टर्ब कर सकता है सिग्नल्स की प्योरिटी नहीं रहती है यानी ए पॉइंट से जो मैंने सिग्नल भेजा वो बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस बी में प्योर फॉर्म में नहीं जाता जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ऑप्टिकल फाइबर केबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो कि ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली किस फॉर्म uh, में जो है ट्रांसफर करती है लाइट के फॉर्म में किस फिनमिना पे काम करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं ट्रेडिशनल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल में वो मैंने आपको बता दी है अब चलते हैं अगले आर्टिकल के बारे में तो अगला आर्टिकल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है बट न्यूज में था तो मैंने इसको मैंशन कर दिया है बेसिकली इंडिया हैज चार्टेड अ स्पेस रोड मैप फॉर अप टू टू ट्वेंटी सेज द चंद्रयान थ्री प्रोजेक्ट चीफ तो चंद्रयान थ्री के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि इसरो दो तक क्या क्या करने वाला है उसका रोड मैप अभी से ही या उसकी प्लानिंग अभी से ही हो चुकी है ठीक है इसरो जो है वो चाहता था दो तक जो है स्पेस स्टेशन अपना इस्टेब्लिश कर ले ठीक है उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग चाहते थे कि जो मून पे हम लोग जो ये जो स्पेस स्टेशन जो बनाना चाह रहे हैं कि वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स को फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाए एंड बहुत सारी चीज़ें बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ठीक है चंद्रयान थ्री ऑल नो कि इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड चंद्रयान थ्री ऑन द फार साइड ऑफ द मून ठीक है अटेम्प्ट सेकेंड था बट पहली कंट्री है जिन्होंने ऐसा किया है तो ये इंडिया का लूनार मिशन है चंद्रयान चंदा पे चंदा पे चांद पे पहुंचने का यान है ये ठीक है और ये हमारा सेकेंड अटेम्प्ट है ये मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुकी हूँ ठीक है अगस्त पाँच में हम लोगों ने जो है बेसिकली आ, अपना लूनर ऑर्बिट में एंटर कर गए थे ना बाय अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री हम लोगों ने सॉफ्ट लैंडिंग करवा ली थी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं पहला ऑब्जेक्टिव है टू डेमोस्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सर्फेस ठीक है दूसरा है टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून एंड टू कंडक्ट इन सिटू या ऑन साइड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ये तीन जो हैं टारगेट्स थे चंद्रयान थ्री मिशन के कि हमें एक तो लूनार सर्फेस पे फार साइड ऑफ द मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करानी है कंट्रोल्ड लैंडिंग करानी है ठीक है दूसरा कि हमारा जो रोवर है मून पे जो गाड़ी चलेगी उस रोवर को रोविंग करते हुए हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है और तीसरा कि हम ऑन साइट जो है एक्सपेरिमेंट्स कर सके कि लूनार सरफेस के इस मून के बारे में ज्यादा स्टडी कर सके ठीक है इसके तीन कंपोनेंट्स थे पहला था प्रोपर्शन मॉड्यूल प्रोपर्शन मॉड्यूल में क्या था एक लैंडर था और एक रोवर था जो कि मून के सरफेस तक जाने वाला है ठीक है लैंडर मॉड्यूल जो कि लैंड करेगा मून पर ठीक है विक्रम बोला गया उसने लैंड कर भी लिया था एंड थर्ड वाज द रोवर मॉड्यूल जिसे प्रज्ञान बोला गया ठीक है तो एज यही आपको पता होना चाहिए बेसिकली मैंने आपको एक इन्फोग्राफिक भी दे दिया है ये इन्फोग्राफिक देने का मेरा मोटिव ये है कि बिकॉज चंद्रयान थ्री इज अ ग्रेट सक्सेस फॉर इंडिया ठीक है तो इसके बारे में हमें ऑन एंड ऑफ पता होना चाहिए एग्जाम टाइम से पहले बस ये इन्फोग्राफिक देखने से ही आपको चंद्रयान थ्री के बारे में बेसिक्स पता चल जाएंगे ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल सोसाइटी का है कि एज डेथ्स ड्यू टू वर्क रिलेटेड फैक्टर्स गो अप आई एल ओ रिपोर्ट्स आईएलओ रिपोर्ट अर्जेस कंट्रीज टू स्ट्रेंथन द सेफ्टी नेट तो आईएलओ की एक रिपोर्ट आई है ठीक है यानी इंटरनेशनल लेबल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने ये बोला है कि काम की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स और डिजीजेस की वजह से हर साल पूरी दुनिया में लगभग तीस लाख वर्कर्स जो हैं वो मारे जाते हैं एंड इनमें से सिक्सटी सिक्सटी थ्री परसेंट डेथ्स जो हैं वो तो केवल और केवल एशिया पैसिफिक रीजन में ही होती है ठीक है एक इस रिपोर्ट की एक और फाइंडिंग थी कि जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स है कई लोगों की वर्किंग आवर्स जो हैं वो ट्वेल्व से लेके एटीन आवर्स तक के भी होते हैं ठीक है स्पेशली गल्फ कंट्रीज की अगर हम बात करें ना तो गल्फ कंट्रीज में जो लेबर जाती है उनके वर्किंग आवर्स एटीन एटीन आवर्स तक के भी होते हैं जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं ठीक है बिकॉज ऑफ दोज मैक्सिमम वर्क रिलेटेड डेथ्स अकर ठीक है अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को हम एक बार देख लेते हैं तो पहली है कि आई ने कुछ कन्वेंशन दिए थे इसमें पहला है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन जिसको आज तक 187 एटी मेंबर कंट्रीज में से 79 कंट्रीज ने साइन कर दिया है एंड प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन इसको 62 कंट्रीज ने साइन कर दिया है इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री ठीक है हैविंग फुल फ्लेजेड लेबर नॉर्म्स एंड एवरीथिंग इट हैज़ नॉट साइंट इट हैज नॉट रेटिफाइड बोथ दीज कन्वेंशंस तो इंडिया जो है बहुत पीछे है कन्वेंशन साइनिंग में दूसरा है कि इस रिपोर्ट ने यह बोला कि वी नीड अ साउंड एंड रेजिलियट नैशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ फ्रेमवर्क इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं ठीक है जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं जो लेबर यूनियन हैं इन सबको बिठा के एक स्ट्रॉन्ग रेजिलियट नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है ठीक है तीसरी फाइंडिंग यह की गई कि जो वर्क रिलेटेड डेथ्स हैं उनकी मेजॉरिटी डेथ्स जो हैं वो वर्क रिलेटेड डिजीज की वजह से हैं ठीक है यानी कि जो मेजॉर डिजीज़ होती हैं हमारी ठीक है तीस लाख के आसपास जो डिजीज डेथ्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ द वर्क उनमें से पहला है कि बहुत लॉन्ग आवर्स की वजह से बैठने की वजह से या किसी और वजह से सिस्टम एक्सपोजर की वजह से इन सब की वजह से जो डिजीज़ होती हैं इनकी वजह से मेजोरिटी ट्वेंटी सिक्स लैख डेथ्स होती है होती हर साल एंड एक्सीडेंट्स अगर मान लीजिए कोई काम की वजह से कोई पर्सन एक साइड से दूसरी साइड पर जा रहा है तो उसकी वजह से रस्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई पर्सन अपनी साइड पर काम कर रहा है उसके ऊपर एक ब्रिक गिर गई ऊपर से तो वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स की वजह से थ्री पॉइंट थ्री लैख डेथ्स होती हैं हर साल तीसरा जो नेक्स्ट फाइंडिंग था चौथा फाइंडिंग वो ये बोला गया कि जो आ, काम करने वाले जो लेबर्स होते हैं जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके ट्रेकिया ब्रोंकस इन सब में क्रोमियम का अमाउंट जो है वो बढ़ गया है अगर वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी हैं या किसी और एक्टिविटी में हैं तो क्रोमियम का ऐसे एक्सपोजर ज़्यादा होने की वजह से ठीक है बहुत सारी बीमारियाँ होने लग गई है एंड वो बीमारियाँ जो हैं उनकी वजह से जो हैं डेथ्स भी बढ़ गई हैं एंड ये बीमारियां जो हैं डबल हो गई हैं 2000 से 2016 के बीच में 16 सालों के बीच में ठीक है सो दो आर ज़्यादा फाइंडिंग्स आप मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको जो है अभी आपको पता होगा कि सुब्रमण्यम जो, जो हमारे इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति जी उन्होंने ये बोला कि कम से कम जो है सेवेंटी आवर्स अ वीक की वर्किंग होनी चाहिए तब जाके इंडिया डेवलप कर पाएगा इंडिया की इकोनॉमी थ्राइव कर पाएगी तो उसके अगेंस्ट में आप ये आई की जो रिपोर्ट है इसके जो है पॉइंट्स को कोट कर सकते हो ठीक है इस रिपोर्ट ने कुछ पाँच पॉइंट्स भी रिकमेंड किए हैं कि अगर हमें चाह चाहिए कि हम वर्क प्लेस पर हेल्थ और सेफ्टी इंश्योर कर सकें तो पहला है देर शुड बी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन लोगों को ग्रुप बनाने के फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन बनाने का हक होना चाहिए ठीक है उसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स एंड कंपल्सरी लेबर जो बेकार होती है वो नहीं होनी चाहिए देर शुड बी अबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर ठीक है उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन द जेंडर कास्ट और कलर एनी ठीक है और वर्किंग इन्वायरमेंट बिल्कुल सेफ़ और हेल्दी होना चाहिए अगर ये पाँच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अगर हमने फॉलो कर लिए देन ये वर्क रिलेटेड डेथ्स जो है कंपैरेटिवली कम की जा सकती हैं सो दीज आर द रिकमेंडेशन एज गि बाय द आई एल ओ रिपोर्ट अब हम आई एल ओ के बारे में इतना बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं ठीक है तो इसको ट्रीटी ऑफ वरसाए जो है ठीक है ट्रीटी ऑफ वर्साई के थ्रू नाइनटीन नाइनटीन में इसको बनाया गया था ठीक है उस समय यूनाइटेड नेशंस तो था नहीं देर वॉज अ लीग ऑफ नेशन प्रेडिससर टू यूनाइटेड नेशंस तो ये लीग ऑफ नेशंस की एक एफिलिएटेड एजेंसी के तौर पर 1919 में आई को इस्टबलिश किया गया था ठीक है बाद में ठीक है ये जो है यूनाइटेड नेशंस की पहली अफिलिएटेड एजेंसी बन गई ठीक है इट वाज अ सक्सेसर टू लीग ऑफ नेशंस 1946 में इसे पहली एफिलिएटेड एजेंसी बना दिया गया यूनाइटेड नेशंस की इसका हेड क्वार्टर है एक न्यूट्रल कंट्री स्विट्जरलैंड में जनीवा में ठीक है ये जो है ह्यूमन और लेबर राइट्स को लेबर राइट्स जो है उनको प्रमोट करता है एंड इसके काम के लिए लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लेबर यूनियंस एंड लेबर जो क्लास पीपल है उनकी वेलफेयर के लिए रेगुलेशंस एंड कन्वेंशनस लाने के लिए 1969 में आई को नोबल पीस प्राइज़ भी दिया गया था ठीक है सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो इन दिस आर्टिकल ठीक है इसके कुछ फंडामेंटल कन्वेस भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशनस भी हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन दूसरा कन्वेंशन है राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन फोर्स लेबर कन्वेंशन अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन मिनिमम एज कन्वेंशन वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन इक्वल रेमिनरेशन कन्वेंशन यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये परटेन करते हैं फंडामेंटल कन्वेंशन है ये आई के ठीक है सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द आई एल ओ रिपोर्ट एंड आई एल ओ इट सेल्फ मूविंग ऑन टू द न्यूज़ ऑफ एनवायरमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई थी आज इंडियन एक्सप्रेस में कि मैक्सिको में जो है बेसिकली एक्सोलॉट्स ठीक है एक्सोलॉट्स जो एक तरीके का सेलेमैंडर होता है ठीक है फिश तेज सा दिखता है ये फोटो भी मैं आपको बताऊँगी अटैच की है मैंने इस सैलमैंडर के प्रिजर्वेशन के लिए जो है एक अलग सा कैम्पेन चल रहा है एंड दैट इज अडॉप्ट एक्सोलॉट ठीक है तो बेसिकली ये कैंपेन ये है कि आप 600 सौ पैसोस खर्च कीजिए 35 फाइव डॉलर्स के आसपास खर्च कीजिए और आप जो है वर्चुअल तौर तो पे इन लिटिल मॉन्स्टर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं ठीक है आप पैसे देंगे तो इनका प्रिजर्वेशन होगा अब यहाँ पर एन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्पीसीज जो है ना इस एलोमेंडर की स्पीसीज़ जो है एक्सोलॉट ठीक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ये एम्फीबियंस हैं एम्फीबियंस क्या होते हैं जो कि पानी पे और लैंड पे दोनों पे रह सकते हैं लेकिन ये एम्फीबियंस होते हुए भी मेजरली अपनी पूरी लाइफ जो है पानी के अंदर बिताते हैं ठीक है एंड ये वर्ल्ड में वाइल्ड में ठीक है यानी कि जंगलों में या वाइल्ड में दुनिया में केवल एक ही प्लेस पे पाए जाते हैं ठीक है लेक जोची मिल्चो ठीक है लेक जोची मिल्को मेक्सिको सिटी के आसपास ये लेक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वहीं पर ही ये वाइल्ड में मिलते हैं ठीक है इनमें भी दो जीन्स होते हैं एक जीन मदर से आता है एक जीन फादर से आता है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये खाते क्या क्या हैं तो बहुत सारे मोलस्क वर्म्स इंसेक्ट लार्वा क्रस्टेशियंस फिश ये सब इन पर फीड करते हैं ठीक है इनकी एक और पार्ट एक इम्पॉर्टेंट जो है आ, फीचर ये है कि ये अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते हैं मान लीजिए इसका हाथ कट गया इस एम्फीबियन का तो वो वापस से रीजनरेट हो सकता है ठीक है उसके अलावा इनकी एक और ट्रेट है नियोटेनिकी ठीक है यानी कि जैसे लार्वा होता है ना डेवलपमेंटल स्टेज में होता है उसी तरीके से ये भी अपनी डेवलपमेंटल स्टेज थ्रू आउट देयर लाइफ इंश्योर कर सकते हैं ठीक है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये एम्फीबियंस है बट स्टिल ये अपनी पूरी लाइफ पानी में ही बिता देते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ द हैबिटेट लॉस बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ मेनी इन्वेसिव स्पीसीज ऑफ फिश इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गिर गई है आई स्टेटस में इसी वजह से दे हैव बीन डेजिग्नेटेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज सिंस 2006 सो so, सी बहुत ही आ, आ, इनोसेंट से और क्यूट से दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं ठीक है तो इसके लिए कैंपेन जो है मेक्सिको एडमिनिस्ट्रेशन ने ये चलाया है इकोलॉजिस्ट ने चलाया है सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो इन दिस आर्टिकल अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रैट होल माइनिंग का तो आपको पता है कि एक टनल जो है उत्तरकाशी में जो है सिल्क सिल्कयारा बारकोट टनल जो है वो उसका एक हिस्सा ढह गया है अब वहाँ पर रैट होल वहाँ पे जो भी मशीन्स एंड हैवी ड्रिलिंग इक्विपमेंट से जो फंसे हुए माइनर्स हैं जो वर्कर्स हैं उनको निकालने की कोशिश करी जा चुकी है वो फेल भी हो चुकी है अब आखिरी ऑप्शन बचा है रैट होल माइनिंग का ठीक है तो रैट होल माइनिंग के थ्रू ड्रिलिंग करके लोगों को बचाने के लिए इनिशिएटिव जो हैं वो चलाए जा रहे हैं तो यहाँ पर फिर से रैट होल माइनिंग जो है न्यूज़ में आ जाता है रैट होल माइनिंग होता क्या है तो इसमें क्या होता है बहुत छोटे छोटे पतली पतली टनल्स जो हैं वो खोदी जाती है चूहा जा जो है अपना बिल खोदता है ना मिट्टी के अंदर उस तरीके से बहुत छोटी टनल्स जो हैं तीन से चार फिट हाई रैट होल की तरह छोटी छोटी टनल्स खोद दी जाती है ठीक है इसमें जो छोटे हाइट कम हाइट के लोग या जो बच्चे होते हैं वो एंटर करते हैं और कोल जो है स्पेशली कोल के लिए रैट होल माइनिंग जो है वो की जाती है ठीक है ये दो टाइप की होती है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ठीक है अब क्या होता है कि इसमें इस तरीके इस से बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल जो हैं खोद कर कोल माइनिंग की जाती है तो यही टेक्निक अब जो है इन वर्कर्स को निकालने के लिए अपनाई जा रही है अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है क्यों बैंड है ये बैंड है आपको ध्यान रखना एनजीटी एन ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इसको बैन कर दिया है तो बेसिकली इसके इम्पैक्ट क्या हैं क्यों ये बैन है तो उसका रीज़न ये है कि ये माइनिंग जो है ये अनरेगुलेटेड है इसमें एक प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं होते इन माइंस के डहने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है ठीक है वर्कर्स को कोई सेफ्टी गेयर नहीं दिया जाता है क्योंकि कितने छोटे एरिया में वो खुद चले जाए वही बहुत है सेफ्टी गेयर कैसे पहन के जाएंगे तो दैट इज़ ऑल्सो द इशू ठीक है इससे जो है बिकॉज़ डैट होल माइनिंग छोटे से एरिया में भी एक बहुत बड़े स्केल पे की जा सकती है तो उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन डीफॉरेस्टेशन वाटर पोल्यूशन होने के चांसेस बढ़ते हैं ठीक है बिकॉज द स्पेस इज वेरी लेस जो है ब्रीदिंग कंडीशन जो होती है वो एनरोबिक हो सकती है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है वर्कर्स को इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है तो ये सारे इश्यूज हैं इस वजह से रेड होल माइनिंग को एन ने जो है दो हजार चौदह से बैन कर रखा है ठीक है अब यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में भी मैंशन किया गया तो हम लोग नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं तो एक एक्ट आई थी एनजीटी एक्ट टू ठीक है तो इन्वायरमेंट रिलेटेड केसेस को ठीक है जल्दी से डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये एन ट्राइब्यूनल जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है ये बनाया गया है ठीक है याद रखिएगा इंडिया इज द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू फॉर्म सच ट्राइब्यूनल इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इन दो कंट्रीज ने ही इस तरीके के ट्राइब्यूनल जो हैं बनाए हुए हैं ठीक है थीके? इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो दिल्ली में है लेकिन इसके कुछ रीजनल सीट्स भी हैं वो कहाँ कहाँ पे है भोपाल रिमेंबर पुणे देन वी हैव कोलकाता ठीक है एंड uh, चेन्नई ये पांच प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पर इनके रीजनल सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट एन ठीक है सो so, ये हो गया हमारा इन्वायरमेंट रिलेटेड रैट होल माइनिंग के बारे में न्यूज़ एंड लास्ट बट नॉट द नीज एक मिसलेनी न्यूज़ है ठीक है स्टेट पी के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है कि एक आयरिश राइटर है पॉल लिंच ठीक है इनकी एक नॉवल थी प्रॉफिट सॉन्ग और इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज दिया गया ठीक है तो बुकर प्राइज़ बेसिकली लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है ठीक है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिटरेचर या नॉवल के लिए दिया जाता है तो ये पॉल लिंच को मिला है जो कि आयरिश राइटर है और उन्होंने उनकी बुक जो है नॉवल जो है प्रॉफिट सॉन्ग उसके लिए ये अवार्ड जो है दिया गया है सो so, आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आई होप आपको समझ आ गई होगी दैट इज ऑल फॉर टुडे ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच